जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है। और डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से, कैश विड्रॉल कर दो। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्ला से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। सुकून से जाना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफ़ा करो, एक तरफ़ा में कुछ हासिल नहीं। चलो कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में संभाल ले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। कुछ नहीं सुनना पप्पा। देख गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा ऐसा काम मत करना, बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे भूलना, नहीं बेटा ऐसा कुछ काम नहीं करना। मॉम बस हुआ ना, मॉम बस हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं को मॉम बस हुआ, बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पाने में कूदना है, मैंने कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। सुनो किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी दीजिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलते तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस ना ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। क्या आयशा और आयशा के जैसे जो खुद को खुदकुशी करते हैं, क्या वो जन्नत में जाते हैं या जहन्नम में, नरक में जाते हैं या स्वर्ग में जाते हैं? अब इसके बारे में कुछ बताएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा इरशाद फरमाया कि लोगों, ऐ मेरे उम्मतियों, खुदकुशी करना हराम है। अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसको जन्नत भेजना चाह रहा तो सारी दुनिया मिलकर नहीं कह सकती कि जिसने सुसाइड किया है, खुदकुशी किया है, अल्लाह उसको जहन्नुम में ही डालेगा। आपने बहुत ही अच्छा, चूंकि ये बर्निंग इशू है, तमाम लोग आज सोशल मीडिया पे यही सवाल कर रहे हैं, यही इस्तफसार कर रहे हैं, हजरत से भी यही गुफ्तगु कर रहे हैं, क्या वो जन्नती है, क्या हजरत क्या वो दोजख में जाएगी। तो देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, खुदकुशी करना हराम है। और जिस तरह खुदकुशी करेंगे आप, जैसे कि मैं बता रहा था कि अभी कोई अगर पानी में गिर के मर जाता है, कोई जो है ना कोई गाड़ियों के नीचे आके अपनी अपने आप को जो है ना मार देता है, ख़त्म कर देता है, तो अल्लाह तबारक तआला एक वक्त तक उसको, जब तक क़यामत तक, यानी जब सवाल जवाब नहीं होगा, जैसा कि कुरान पाक के 30वें पारे में अल्लाह जल्ला मजदूम फरमा रहा है, फ़मन यअमल मिथक़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिथक़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह तआला रत्ती रत्ती की ज़र्रे ज़र्रे की पूछ करेगा, बंदे को क्यों पैदा किया? अल्लाह ने लकद खलकनल इंसाना फी अहसनी तकवीम, है मेरे बंदे तहकीक के मैंने तुझे बेहतरीन सांचे में ढाल के पैदा किया है। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैंने इंसान और जिन को, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ मेरे बंदे हमने तुझे हमारी इबादत के लिए पैदा किया, ना कि सुसाइड करने के लिए, खुदकुशी करने के लिए। खुदकुशी कोई मसले का हल नहीं है। खुदकुशी करने से अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु वसल्लम नाराज होते हैं, इस बात को भी जहन नशीन करना चाहिए। अगर अल्लाह ने चाहा अपने फजल व करम से उसकी कोई नेकी, उससे उसके जो है ना उस गुनाह को, उस खता को, लग्जिश को माफ करना चाहा तो माफ कर सकता है, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अपने आप को खुदकुशी करना, हलाकत में डालना, ये हराम है। हजरत सदियों से आयशा के जैसे क्यों औरतों शकर हो जाते हैं और औरत के हक में जुल्म हो जाते हैं और शोहर और हर शोहर ये समझते हैं कि कनीज है, गुलाम है और उसको हम कनीज के जैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे उसको कभी मरना, उसको कभी उसकी माँ उसको मारते हैं, कभी उसकी बाप उसको मारते हैं, क्या उसकी बाप और उसकी माँ उसकी बीवी पर उसका हक है? और इतनी जुल्म जो हो रही है, और कहीं मुस्लिम कहीं और धर्म के लोग
औरत को एक खनीज एक गुलाम के जैसे समझते हैं। आपके नजरिए इस चीज के बारे में क्या है? आयशे के जैसे जो सदियों ऐसा इसे ही शिकार होते जाते हैं। और दो रोज कबल हमारी एक इफ्फत माप इज्जत माप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत की एक अदना कनीज हमारी बहन आयशा आरिफ ने जिस तरीक़े से ख़ुदकशी करने के बाद सारी दुनिया में चाहे वो किसी भी ज़ात पात मज़हब का आदमी हो आज पूरों की तमाम की तवज्जह इस एक लड़की पर मरकूज़ हो गई और होनी भी चाहिए। आयशा जैसी रोज़ाना लाखों करोड़ों सारी दुनिया में जहेज की भेजा लानतों की भेंट चढ़ते हैं। हम सबसे पहले इस जहेज के लालची आरिफ और उसके अफराद ख़ानदान की हम मजम्मत करते हैं पुरजोर अल्फाज में। जिस तरह मैंने कुरान पाक की आयत करीमा हजरत के सामने पेश किया, अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो तुमको चाहिए कि तुम हमेशा मेरी रहमत से वाबस्ता रहो, मेरी रहमत से मायूस मत हो। ये अल्लाह तबारक ताला की रहमत से मायूसी कुफ्र है। बहरकैफ आज आयशा का जो वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने उसको देखा, कई लोगों के अंदर गम गुस्सा भरा हुआ है। कई लोग चाहते हैं कि उनके अफराद ख़ानदान को सरेआम फांसी दी जाए। ये तो क़ानून अपना काम करेगा, हम उस पर रोशनी नहीं डालेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। इस लड़की ने जो वीडियो बनाई, चंद जुमले उसमें तमाम की तवज्जो को उसकी जानी मरकूज़ किया और आखिर में उसने अपनी जो वीडियोस बनाने से पहले अपने शौहर से गुफ्तगू की। उसने कहा ठीक है, तू जो है ना सुसाइड कर, तू जो है ख़ुदकुशी कर, फिर मुझे उसका वीडियो भेज। ये तो बहुत ही दरिंदगी वाली बात है। लड़की ने दो चार बातों पर जो इजहार ख्याल किया कि मैं अपने शौहर से कोई मैं मुतनफ़िर नहीं हूँ, नफ़रत नहीं करती हूँ, लेकिन उसने जो मुझको धोखा दिया है, जिस अंदाज़ में मुझे तकलीफ़ दी है, बस मेरी जो है यहाँ यहीं तक मेरी ज़िंदगी थी, यहाँ पर मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। मुझे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत दे ना दे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यहाँ पर भी ये नकल कुफ्र कुफ्र नाबाशद, मैं चूँकि उसके अल्फाज को यहाँ अदा कर रहा हूँ। उसने कहा कि मुझे जन्नत मिले ना मिले, मैं जो है ना जन्नत में जाऊँ ना जाऊँ, मुझे मेरे लिए आप लोग दुआ करें। दूसरी बात, जब उसके वालदैन बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, वो तमाम के दिलों को वो बात छू गई, मस हो गई कि लोग इस्तेराबी कैफियत में आ गए। लोगों के अंदर एक जज्बा उभर कर सामने आया कि माँ बाप ने लाख उसको कोशिश की। कुरान पाक की कभी कसम दे रहे हैं उनके वालदैन करीमैन, और कभी वो माँ बाप कितनी दर्द के साथ, कितनी तकलीफ़ के साथ, कितनी दिक्कतों के साथ, फिर वो जहेज के लिए 1.5 लाख रुपए उन्होंने किस तरीके से यहाँ से वहाँ से जो कुछ भी कर्ज किया, जो भी दिया उन लोगों को दिया। मैं ऐसे माँ बाप को भी बोलना चाहूँगा, जब रिश्ते की बात होती है, मैं भी खुद एक कादिल कुदात हूँ, काजी हूँ, तो मैं जिस तरीके से देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि हमारे बच्ची के लिए रिश्ता आप ढूंढिए, जब रिश्ते की बात आती तो कहते हैं कि सरकारी मुलाजिमत वाला हो। मैं तमाम लड़की वाला, मैं भी चूँकि लड़की वाला हूँ, लोग इस तरीके की जो है ना वहाँ पर गुंजाइश रखते हैं कि हमारा दामाद डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई फलाह हो, कोई ऑफिसर हो, कोई जो है सरकारी मुलाजिमत पर हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ताकि हमारी बच्ची खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ें जहाँ पर फरमाई, आप तो हुस्न को देख रहे हैं, हुस्न को ही जो है ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो दीनदार है कि नहीं है, वो जो है ना बाखलाक बाकिरदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है कि नहीं रखती है, ये चीज़ नहीं देख रहे। और लड़की वाले क्या चाह रहे हैं कि हमारा दामाद इंजीनियर डॉक्टर हो। देखो दीनदार, अगर उसके अंदर दीनदारी है तो माँ बाप को भी चाहिए कि अपने दीनदारी को देखकर अपनी बेटी को वहाँ पर रिश्ता किया जाए। ऐसे मांगने वाले लालची हजरात की भेंट अपनी बच्चियों को ना चढ़ाए। मैं कल एक वीडियो उनके वालिद मोहतरम का देख रहा था कि उन्होंने कहा कि मैंने हुजूर पीराने पे गौसे आज़म दस्ती जाता की कसम दी, कुरान पाक की दी, मैंने ये हज़रत अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला का इतना बड़ा नाम है बेटा, उनकी कसम देता हूँ, इतने बोलने के बावजूद भी उस लड़की के सर में जो जुनून सवार था, उनके जो उनके ऊपर जो यानी मतलब है कि जो कुछ भी ससुराल वालों की जानिब से तकालीफ पहुँचाई गई वो क्या क्या थी, बहर के वल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, हम तो नहीं जानते। वल्लाहु बिमुरादिही व रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि किस तरीके से उनको तकलीफ़ दी गई, वो तकलीफ़ का इजहार उसने ख़ुदकुशी करके किया। ख़ुदकुशी उसका मसले का हल नहीं है, ख़ुदकुशी नहीं करना चाहिए। उनके वालिद यही कह रहे थे कि मैं तमाम मेरी जितनी यानी दूसरी जहेज की लालच में आकर
मौत की तरफ अपने आप को जो है ना वो कर रहे हैं, या कहीं जला के मार दे रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं बच्चियों के साथ। हर बच्ची को बचाओ, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो। ये सारी मेरी बेटी आयशा तो अब चली गई है, वो वापस आने वाली नहीं, इस तरीके का वो बयान दे रहे थे। मैं तमाम देखने वाले चिश्ती टीवी के तमाम हाजरीन जाकिरीन सामाइन से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा आप जैसे कोई जिस्म में एक बीमारी आ जाती है तो उस बीमारी का इलाज किया जाता है। पैर में कोई जो है ना फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, कोई और मर्ज आ गया तो आप उस पैर को काट के फेंकते नहीं हैं। तो इस तरीके से हरकत करना बिल्कुल शरीयत इस्लामी के मगायर है, बिल्कुल शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा कोई सुसाइड करता है, खुदकुशी करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक उसके लिए जिस तरह वो जो ट्रेन के नीचे आके मर गई छलांग लगा के, या कोई जो है ना बौली में कुएं में गिर के मर गया, या तालाब में या नदी में, जैसा साबरमती नदी जो थी उसमें जाकर बच्ची ने खुदकुशी की, ये तो सबके लिए दिल दहला देने वाला वाकया है। लेकिन वो जो लड़की ने किया वो भी जो है ना शरीयत के मगायर है, शरीयत के खिलाफ है, ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए, उसका इलाज होता। उनके वालिद बार बार कह रहे हैं, आखिर में उन्होंने यहां तक कह दिया कि बेटा अगर तू ऐसा सुसाइड करेगी तो याद रख मैं अपने आप को जो है ना मरने के लिए तैयार हूं, मेरे पूरे खानदान को मिटाने के बाद मैं भी मर जाऊंगा। तो कितने तकलीफ, कितनी दर्द और दुख होता है कि एक बाप जो बचपन से लेके जवानी तक अपनी बेटी को जो है ना परवरिश करता है, लाखों करोड़ों रुपए लगाता है, चाहे वो तालीम के लिए, तरबियत के लिए। वो कह रहे थे, मैं कल उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, रोते हुए उन्होंने कहा कि मेरी लड़की जो है इतनी पढ़ी लिखी हुई थी कि पीएचडी करना चाह रही थी, पीएचडी करना चाह रही थी, जो आखिरी जो है ना हमारे वतन की, वतन अजीज भारत की जो डिग्री है पीएचडी, तो ये पीएचडी करना चाह रही थी बच्ची। लेकिन ऐसी होनहार तालिबा जो हमेशा अव्वल इम्तियाजी कामयाब होने वाली, ऐसा सुसाइड करती, ऐसा खुदकुशी करती, उन्होंने भी ख्वाब में नहीं सोचा था। अल्लाह तबारक व तआला उस लड़की को जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमाए, और हमारी जो दिगर बहनें हैं उनको इस तरीके का कोई अमल ना करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जी हजरत मोहतरम मुअज्जम नाज़रीन किराम, चिश्ती टीवी के नाज़रीन मर्द व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हुज़ूर रहबर शरीयत पीर तरीक़त ज़रीफ़ उश्शुरा बदीउल मशायख़ हज़रत अल्लामा मौलाना आले नबी औलाद अली अलहाज ख्वाजा सईद शाह ज़रीफ़ हुसैनी मौदूद चिश्ती हफ़िज़हुल्लाह सज्जादा नशीन व मुतवल्ली बारगाह सुल्तानुल औलिया शहंशाह ख़ुरासान हज़रत सैयदना ख्वाजा क़ुतबुद्दीन मौदूद चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाहि तआला अलैह, चिश्त शरीफ हिरात अफ़गानिस्तान ने बहुत ही आज के बर्निंग इशू पर, सुलगते हुए मसले पर आपने अपनी निगाह करम, निगाह इल्तिफात डाली।